Hello students, myself Gauri Rathore and I am your computer teacher and this is your lecture 3rd of chapter 4th. देखिए second lecture मैंने आपको Napier Bones, Pascaline और Leibniz Mechanical Calculator के बारे में बताया था. आज हम उसके आगे रीड करेंगे. Charles Babbage इंजन. The real beginning of computers as we know them today, however, lay with an English mathematics प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज. देखिए आज जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो इन्वेंशन था, उनका इन्वेंशन जो है सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने किया था. उन्हें चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे. बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. इसलिए बेबेज को जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहा जाता था, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर्स का इन्वेंशन जो है उन्हीं ने किया था स्टार्ट. Because he was the first person to design a general purpose computing machine. क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने general purpose computing machine को design किया था. General purpose computing machine मतलब computers, जो modern computers हैं वो जो एक बार में कई सारे work कर सकते हैं. In 1822, Babbage began to design and build a small working model of an ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन. 1822 में बेबेज जो है एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का स्मॉल वर्किंग मॉडल तैयार किया, जो कि एक ऑटोमेटिक थी. ठीक, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें मशीन जो है खुद ही वर्क करती है. जो वर्क होता है वो उसके द्वारा ही होता है, उसके थ्रू ही होता है. ठीक, तो उन्होंने एक ऐसी मशीन का स्मॉल वर्किंग मॉडल तैयार किया, विच ही कॉल, जिसका नाम उन्होंने रखा डिफरेंस इंजन. इट कुड कैलकुलेट 30 प्राइम नंबर्स इन 2.5 मिनट. वो मशीन जो थी वो 30 प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकती थी 2.5 मिनट में. आफ्टर वर्किंग ऑन द डिफरेंस इंजन फॉर 10 ईयर्स. देखिए डिफरेंस इंजन पर जो है काम करने के बाद, डिफरेंस इंजन के साथ काम करने के बाद जो है 10 सालों तक उन्होंने उस पर काम किया, 10 ईयर्स तक. बेबेज वॉज सडनली इंस्पायर्ड टू बिगिन वर्क ऑन द फर्स्ट जनरल पर्पस मशीन. बेबेज जो है वो अचानक से इंस्पायर हुए और उन्होंने जो है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया. ही कॉल्ड इट द एनालिटिकल इंजन, और उन्होंने इसका नाम दिया एनालिटिकल इंजन. बेबेज एनालिटिकल इंजन वॉज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम यूजिंग पंच्ड कार्ड. बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था वो एक प्रोग्राम से कंट्रोल होता था, और उस प्रोग्राम में जो थे पंच कार्ड यूज होते थे. पंच कार्ड जो है एक ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें डिजिटल डेटा होता है उस पर. ठीक है, तो ये जो है एक प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल होता था जिसमें पंच कार्ड यूज होते थे. इट इवन हैड अ मेमोरी, इसमें जो है मेमोरी भी होती थी. मेमोरी मतलब स्टोरेज के लिए मेमोरी भी होती थी. द मशीन वॉज टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली बाय स्टीम पावर एंड वुड रिक्वायर ओनली वन अटेंडेंट. और इस मशीन को जो है ये स्टीम पावर से ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती थी, मतलब चलती थी, एंड वुड रिक्वायर, और इसे जो है बस वन अटेंडेंट की ज़रूरत होती थी. मतलब वन अटेंडेंट मतलब वन पर्सन की ज़रूरत होती थी काम करने के लिए. सो क्लास, आई होप यू इन्जॉय माई क्लास. इसके आगे आप खुद रीड करेंगे. ठीक, आई होप यू इन्जॉय माई क्लास. थैंक यू.